बिनास किचन एंड रेमेडीज़। व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके सामने रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ़ कोरमा। बीफ़ कोरमा बनाने के लिए जो हमें अज्जा चाहिए उसमें मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ़। आप चाहे तो मटन से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो चिकन से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने ली है 1/2 किलो प्याज, स्लाइसिस में इनको काट लिया। 4 से 5 अदद जो मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं उनको मैंने चॉप कर लिया। हसबे ज़रूरत ऑयल, दही मैंने ली है 1/2 किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 टेबलस्पून, स्पाइसेस में मैंने लिया है धनिया पाउडर 4 टेबलस्पून, 3 अदद तेज़पत्ते, 1 बादियान का फूल, 4 अदद सब्ज़ इलायची, 6 से 7 अदद काली मिर्च और यहाँ पे मैंने ली है 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के छोटे साइज़ में, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, 4 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं ज़ीरा के, 3 से 4 अदद जो मैंने यहाँ पे लिए हैं सब्ज़ इलायची, 4 टेबलस्पून जो मैंने लिए हैं यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। ऑयल डालेंगे, प्याज डालेंगे और इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये व्यूअर्स, तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, हम इसको अलहदा प्लेट में निकाल लेंगे। ऑयल में 1/2 किलो दही डालेंगे, 3 से 4 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लें। 1.5 किलो बीफ डालेंगे, बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब जितने भी मसाला जात थे वो हम सारे इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ना तो हमने पानी डालना है और ना ही इसकी भुनाई करनी है। इसको ढांप के हल्की आंच पे कम से कम 25 मिनट के लिए रख देंगे। जी व्यूवर्स, तो हमारा गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसमें अपनी जो फ्राई की हुई प्याज थी उसको मैंने मिक्सर में डाल के मैंने उसको चॉप कर लिया था, वो सारी जो प्याज है वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे मज़ीद पकाएंगे। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। जी व्यूवर्स, तो हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढांप कर पकाएंगे। जी व्यूवर्स, बीफ कोरमा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।